अस्सलाम वालेकुम मैं बीरा खान शहर पार्लर चैनल से आज हमारा जो टॉपिक है वो ऑयली स्किन केयर के हवाले से है कि ऑयली स्किन पर मेकअप कैसे कर सकते हैं ऑयली स्किन वाली बच्चियों को मेकअप का बहुत मसला होता है स्वेटिंग बहुत ज़्यादा हो जाती है ऑयल आ जाता है लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहती बेस बनाते हैं तो उसके बाद पैचेस बन जाते हैं तो सो परेशान नहीं हो आज मैं आपको ऑयली स्किन पर मेकअप का तरीका बताऊँगी और साथ में ऑयली स्किन को Uh, कौन सी प्रोडक्ट सूट करती हैं वो आपने चीज़ें लेनी है प्रोडक्ट डिटेल ये है कि प्राइमर जो है ऑयली स्किन वाली जो बची हैं हमेशा जेल फॉर्म में लें और क्रीमी फॉर्म वाला जो है वो यूज़ ना करें क्योंकि वो उससे प्रॉब्लम होते हैं जब भी आप मेकअप करेंगे तो वो जाहिर सी बात है उसके जो पोर्स हैं वो ओपन ही रहेंगे क्रीमी फॉर्म वो उसके साथ एडजस्ट नहीं होती ऑयली स्किन पर ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है इस पर भी जो है ना इसलिए जो है जब भी आप बेस लें तो जैसे पेन पैनकेक होता है उस मटेरियल में क्रायलोन जो है वो स्टिक आपके लिए बेस्ट है क्योंकि वो स्किन पर बहुत ज़्यादा मैट हो जाती है और ज़रा भी क्रीमी नहीं रहती लेकिन कुछ लोगों को इन चीज़ों से भी मसला होता है स्टिक वगैरह सूट नहीं करती पैनकेक वगैरह जो है वो भी सेट नहीं होता तो आप जो है मैट फाउंडेशन होती है ऑयली स्किन के लिए जब भी आप खरीदारी कर रहे हैं मार्केट में जाएं तो उन्हें आप बता दें कि जो मैट में है फाउंडेशन वो हमें दिखा दें वो इसके लिए बहुत अच्छा और बेस्ट है इससे जो है आपकी बेस स्टे भी करती है और लॉन्ग लास्टिंग भी रहती है मैट फिनिश में अगर आप लेते हैं तो वो ज़रा भी क्रीमी या ऑयली टेक्स्चर उसका नहीं होता वो स्टे कर जाती है तो उसके बाद आ जाता है जी फेस पाउडर जो है वो आपने लेना है हमेशा जिस पर जो है ना ऑयल कंट्रोल लिखा होता है और सबसे अच्छा जो है वो आ, मैट फिनिश ग्लैमरस का फेस पाउडर बहुत अच्छा है और ये आ, मार्केट में पाँच सौ साढ़े चार सौ इस रेंज में आ जाता है इतना ज़्यादा महंगा भी नहीं है और इससे जो है ना वो वैसे भी कवरेज रहती है आप नॉर्मल रूटीन में भी जो है फेस आ, कवर करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं और इसके बाद आ जाता है जी मेकअप ऑयली स्किन के लिए फेस पाउडर जो है मेकअप फिक्सर जो है सॉरी वो मिस रोज का बहुत अच्छा है और जो आप जब आप मेकअप करते हैं फिनिश हो जाता है तो उसके बाद आप पूरे फेस पर स्प्रे करते हैं और हल्के हाथों से और स्पंज से आपने इसको फिक्स करना है और इससे जो बेस है आपकी वो सात आठ घंटे तक जो है ना वो स्टे करती है ख़राब नहीं होती है अदर प्रोडक्ट्स में ब्लश ऑन है हाई है ये सब जो है आपने मिस रोज में ही मिल जाते हैं और ये आपने जो है ना इसी तरह क्रीमी फॉर्म में नहीं लेने आपने उसके ऊपर लिखा होता है कि ऑयल कंट्रोल जो है ना वो चीज़ें जब भी आप लें ऑयली स्किन वाले जो हैं वो ऑयल कंट्रोल उसके ऊपर टैग लगे होते हैं तो वो आप चेक करके लीजिएगा और जो नॉर्मल स्किन है उसमें तो नॉर्मली क्रीमी भी चल जाते हैं दूसरे भी चल जाते हैं और लिक्विड चीज़ जो है ना वो हर गिज़ा आपने नहीं लेनी इनमें से हाईलाइटर वगैरह फेस पाउडर ये जो चीज़ें हैं अच्छा जी जब आपने मेकअप स्टार्ट करना है ऑयली स्किन पे तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल आपने सबसे पहले आइसिंग करनी है आइसिंग आपने पाँच से सात मिनट जो है ना फेस पर रब करनी है इससे ये फ़ायदा होता है कि आपके जो पोर्स है वो ब्लॉक हो जाते हैं और ये ऑयल को जो है ना लॉन्ग टाइम के लिए कंट्रोल कर लेते हैं आइसिंग के बाद फेस ड्राई होने दें उसके बाद आपने प्राइमर यूज़ करना है प्राइमर आपने लगाना है इस तरीके से कि वो स्किन में ऑब्ज़ॉर्व हो जाए और पोर्स और रिंकल्स फाइन लाइंस को ये जो है ना वो कवर करता है और अच्छी फिनिशिंग देता है प्राइमर लगाने के बाद स्किन को सात मिनट के लिए छोड़ दें नेक्स्ट हमारा आ जाता है जी कंसीलर और कंसीलर जो हमारे मार्क्स होते हैं डार्क सर्कल्स होते हैं उनको कंसील करता है कि आपने इसको लगा के कंसीलर को हल्के हाथों से जो है ना वो बिल्कुल टैप टैप करके लगाना है इससे जो है ना आपके मार्क्स और आ, आपके जो भी डार्क सर्कल्स वगैरह हैं वो छुप जाते हैं इसके बाद जो है पैन केक आ जाता है अगर आप एक्वा का पैन केक इस्तेमाल करें तो आ, प्राइमर जो है वो सात आठ मिनट के लिए जो है ना इसको वेट करके और फिर आपने यूज़ करना है अच्छा जी क्योंकि वो ड्राई होता है वेट करने के लिए पेन केक जो है वो आपने मेकअप और मेकअप फिक्सर स्प्रे करें और फिर फाउंडेशन ब्रश की मदद से स्किन पर अप्लाई करें फाउंडेशन uh, आपने लेनी है जी वो डॉट डॉट करके आपने अप्लाई करनी है और स्टिक जो है वो आपने ब्लेंड पहले लगा लेनी है स्टिक और उसके बाद आपने इसकी इसी तरह ब्लेंडिंग करनी है जिस तरह आप स्टिक लगा के ब्लेंडिंग करते हैं उसी पोजीशन में आपने ब्लेंडिंग करनी है जितनी आप ब्लेंडिंग अच्छी करेंगे उतना आपका मेकअप भी अच्छा रहेगा और लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा